चिकन बिरयानी है। चिकन बिरयानी कैसे बनाना कि बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, अर्थात जावेद के चैनल में आप सबका स्वागत है। चिकन बिरयानी थैंक यू चटनी बनाती हूँ। फर्स्ट प्याज, कोथिमीर, टमाटे, मिर्चियाँ सब अच्छे से धोले को कट करके रख ली। अदे धाई थिंग की चटनी बनाने। हाँ थोड़ा नमक डाल ली। प्याज ऐड करती हूँ। कोथिमीर ऐड करें, मिर्ची, हरी मिर्च, टमाटा सब अच्छे से मिक्स कर लूँ। उसमें दही ऐड करती हूँ। सब मिक्स कर लिए तो हो गया है। थैंक यू चटनी रेडी हो गई। देखो सब अच्छे से मिक्स कर लेना। प्याज, मिर्ची, कोथिमीर, नमक, दही। थैंक यू चटनी रेडी। बिरयानी में कॉम्बिनेशन तो थैंक यू चटनी भाजी। यहाँ पे भाजी प्रिपेयर कर लेती हूँ। कुकर रखी, हीट होने के बाद ऑयल ऐड करती हूँ। 2 चम्मच ऑयल डाली। एक टमाटा कट करके डालती हूँ। सब कट कर लेकर धोकर रख लूँ। अदर मिर्चें 5-6, हरी मिर्ची 1, प्याज अदर भाजी भी अच्छे से धोले को रख लूँ। भाजी भी ऐड कर दी। कोथिमीर भी अच्छे से धोकर रख लूँ, कट कर ले को, वो भी ऐड कर दूँ। थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट टेस्ट के वास्ते, खुशबू से अच्छे से टेस्ट था। एक आधा चम्मच हल्दी, एक आधा चम्मच मोटा नमक, पहले ऑयल अच्छा हीट कर लेना। उसमें प्याज, टमाटे, मिर्चियाँ डाल को, बाद उसी भाजी डाल को, कोथिमीर डालना, ज़रा अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक डाल को, ज़रा पानी ऐड करना। सब अच्छा मिक्स कर को ढक्कन लगा डालना कुकर का। 1-2 विजल आए तक वेट करना। जब तक हाँ गोश्त पूरा धोकर रख ली, चिकनों ये मैगनेट करके रख लेंगे। 1 आवर तो भी अच्छा मैगनेट हुआ तो अच्छा था। दे दही ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैं 1/2 किलो चिकन ली। चिकन अच्छे से धोले को रख ली हूँ। उसमें दही ऐड करी, नमक ऐड करती हूँ 1 चम्मच, एक आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मसाला, गरम मसाला 1/2 चम्मच, तो अच्छे से मिक्स करती हूँ। कितना अच्छा मिक्स कर को, कितना अच्छा मैग्नेट होना रखे तो उतना टेस्ट होती बिरयानी। मिनिमम 1 हाफ आवर टू 1 आवर रखे तो अच्छा पूरा मिल जा को, अच्छा होता बिरयानी टेस्ट होती है। जब तक भाजी देख, 2 विजिल आ गई, अरे क्या करके बताती हूँ। देखो अच्छा गल गई है। घोट लेती हूँ भाजी।
स्मैश करने का लगा, पूरा स्मैश कर दी। भाजी बन के रेडी हो गई था। हाँ थैंक यू। चटनी रेडी हो गई, भाजी रेडी हो गई। अब बिरयानी को प्रिपेयर कर लेती हूँ। ऑलरेडी वो सब भी मैगनेट होने रखी था। यहाँ पे ऑयल डाल ली। आधी पड़ी बिरयानी बनाती हूँ। चाय की गिलास आती ना, एक गिलास ऑयल डाल लूँ। ऑयल हीट होने के बाद प्याज एक तीन डलने, प्याज कट कर ली, तीन प्याज। अच्छा रोस्ट होना प्याज, ब्राउन कलर आना। अच्छा जब अदरक का पेस्ट ऐड करती हूँ, एक दो चमचे। अदरक लहसुन प्याज अच्छा भुने जाना। बिरयानी के पत्ते भी डाल लें, देखो एक पाँच छः। एक दो टमाटे कट कर को रख ली, वो भी ऐड करती हूँ। एक तीन चार हरी मिर्च कट कर को रख ली, वो भी ऐड करती हूँ। सब अच्छे से मिक्स करना। अच्छे से पकने लगा, देखो ऑयल छूटने लगा है बघार में से। फर्स्ट प्याज अच्छा लाल कर लेको, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा भुने गए बाद टमाटे प्याज है इसका बिरयानी का पत्ता ऐड करना। वो सब अच्छा पके बाद अदर गोश ऐड करते हैं, चिकन। अच्छा सुमार से वो एक घंटा तक अच्छा भीग को है वो। अब फिनिशिंग में कोथिमीर डाली देखो। एक दो नींबू का जूस काढ़ कर रखी थी, वो भी ऐड करी। सब चॉपिंग कर कर रख लूँ, जूस भी काढ़ कर रखी थी। अच्छा पकने लगा देखो। चिकन हने से जल्दी गल लिया था, मटन है तो कुकर को डाल लेना। अभी चिकन मैं बुगने में बनाती हूँ। बिरयानी को हने से बड़ा बुगना छ लेना, खुली पकी तो अच्छी थी बिरयानी। गोशु बिरयानी दो मिक्स करती नहीं, बड़ा बुगना है तो खुला पकता, छोटे बुगने में है तो फिर नरम होगी तो टेस्ट नहीं दिखती। वैसे खुला छ लो बुगना। यहाँ पे मैं आधी पड़ी चावल धोकर रख ली थी, खाना बना लें देखो पक गया खाना। झन्नी रख को मैं थारती हूँ, आधी पड़ी चिकन को आधी पड़ी चावल ली। 3/4 पना है तो बस खाना, पूरा पकने की ज़रूरत नहीं, पूरा कच्चा भी नहीं ना, 3/4 पकना। उसके बाद ऐसे छन्नी में काटे तो पानी पूरे छने आता, खाना अच्छा फरीरा रहा था। अच्छा पकया देखो फरीरा। चिकन भी अच्छे से पकया देखो, बताते हूँ। अब यहाँ पे खाना ऐड करती हूँ। नीचे पूरा चिकन रखो, ऊपर खाना ऐड करती हूँ। डाल दी देखो खाना पूरा ऑरेंज कलर, फूड कलर लेको ज़रा डालती हूँ। बिरयानी ज़रा कलरिंग है तो अच्छा था।
यहाँ पे तवा रखने दो। तवे पर रखे तो दाग लगता नहीं, इक्वल पकता। देखो इक्वल से पक्का, देखो खाना। सो मिक्स करती हूँ, नीचे तई भी ऊपर खाना। सो पे देखो कलर भी अच्छा दिखता है, ऑरेंज कलर डाले हैं इसी। अरे सो मिक्स करते देखो, अच्छा फरीरा पका है, पीसेस भी अच्छा पक गई, देखने में भी अच्छा दिखता है। अरे थैंक यू चटनी भाजी। एक प्लेट में काढ़ले को बताती हूँ, देखो पीसेस भी अच्छा पक गई, खाना भी फरीरा है भाजी, थैंक यू चटनी। सो प्लेट में सर्व करको बताती हूँ। ये रेसिपी आप सभी लोगों को पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़, बाय।